हे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं दिलवी शुकर्मा आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि वोडाफोन कॉल डिटेल्स के ऊपर वीडियो बनाइए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि वोडाफोन के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ पहले, और उसमें जितने तरीके हो सकते थे कॉल डिटेल्स निकालने के लिए वो सारे तरीके मैंने आपको बताए हैं। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि वो एक बहुत बढ़िया ऑप्शन था कि उसमें अपना नंबर डालकर OTP के जरिए 6 महीने तक की पूरी कॉल डिटेल्स निकाल पाते थे, लेकिन वोडाफोन ने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी जिसके कारण वो ऑप्शन बंद हो गया। अब क्या है दोस्तों, जैसे आप बाकी ऑपरेटर की बात करें जैसे जियो हो गया, आइडिया हो गया, अगर दोस्तों इन ऑपरेटर की बात करें तो इनकी कॉल डिटेल्स बहुत ही आसानी से आप देख सकते हैं कि निकल जाती है। दोस्तों आप सभी लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, इसलिए मैंने सोचा कि चलो इस पर एक वीडियो बना देता हूं। अब दोस्तों जो मैं आप लोगों को तरीका बताने वाला हूं, इससे आप पूरे 6 महीने तक की नहीं बल्कि 1 साल तक की कॉल डिटेल्स निकाल सकते हैं या 2 साल तक की भी कॉल डिटेल्स निकाल सकते हैं, लेकिन आपने अपने मोबाइल को फॉर्मेट ना किया हो तो। जैसा कि आपने अगर 6 महीने पहले फॉर्मेट कर दिया था अपना मोबाइल तो आप सिर्फ 6 महीने तक की कॉल डिटेल्स देख पाएंगे। अगर आपने अपना मोबाइल को 2 साल से फॉर्मेट नहीं किया है या 2 साल से चेंज नहीं किया है तो आप पूरे 2 साल की कॉल डिटेल्स देख पाएंगे। और सबसे बढ़िया बात दोस्तों कि ये ऑफलाइन मोड है, इसके लिए आपको किसी भी इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो करना क्या है आपको, आइए जानते हैं। दोस्तों एक कंसेप्ट निकल के आता है, प्ले स्टोर से जाना है आपको प्ले स्टोर पे, वहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन सर्च करना है E2PDF। ठीक है, ध्यान से समझिए E2PDF। डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा और आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, इस एप्लीकेशन को आपको सबसे पहले प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आप इसको ओपन करेंगे। जैसे ही आप ओपन करेंगे कुछ यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ टर्म एंड कंडीशन दिया हुआ है, तो ये आप पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ नीचे से टिक लगाकर आपको नीचे प्रोसेस पे क्लिक कर देना है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर 2 ऑप्शन खुला है, XML बैकअप रिस्टोर और दूसरा है PDF बैकअप प्रिंटेबल। ठीक है, अब दूसरे वाले ऑप्शन में देख सकते हैं SMS कॉल लॉग कॉन्टैक्ट वगैरह वगैरह दिया हुआ है। तो नीचे जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लिक टू कंटिन्यू लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपको क्लिक टू कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। SMS जनरल कॉल लॉक्स और कॉन्टैक्ट्स यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको जो पसंद पड़ता है यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं कि आपको इसमें क्या निकालना है। फिलहाल हमको जनरल कॉल लॉक्स निकालना है, यानी हमने कितना बात किया है क्या है, तो हम दूसरे वाले ऑप्शन को चुनेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ हम दूसरा वाला ऑप्शन चुनते हैं तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आप कौन सी डेट से लेकर कौन सी डेट तक का कॉल डिटेल्स निकालना चाहते हैं। तो दोस्तों आप चाहें तो यहाँ पर अपनी कॉल डिटेल्स यहाँ पर डेट चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे मैं फ़िलहाल अभी चल रहा है नवंबर, तो मैं चूज़ कर लेता हूँ अक्टूबर, सितंबर का चूज़ कर लेता हूँ, जो है 1 सितंबर 2019 से लेके आज तक का। ठीक है, तो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं नीचे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कॉल लॉग डिटेल्स ओनली, डायलिंग नंबर्स ओनली, रिसीव ओनली, मिस कॉल। तो आपको क्या चाहिए, अगर पूरा चाहिए तो आप फर्स्ट वाले को ही चूज़ कर सकते हैं, अगर आपको खाली डायलिंग नंबर चाहिए तो आप सेकंड वाला चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उस हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे नीचे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर नीचे देखिए, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको PDF लिख देना है। ठीक है, यहाँ पर PDF, तो जैसे ही यहाँ पर आप PDF लिखोगे तो नीचे एक्सपोर्ट टू PDF लिखा हुआ है। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ नीचे अपने ईमेल पे भी भेज सकते हैं, यहाँ पे टिक मार करके नीचे वाले ऑप्शन को, और अगर आप यहाँ अपने मोबाइल में ही देखना चाहते हैं तो एक्सपोर्ट टू PDF पे क्लिक करना है। जैसे ही आप एक्सपोर्ट टू PDF पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको अलाउ का ऑप्शन पूछेगा, तो यहाँ अलाउ कर देना है। जैसे ही अलाउ करेंगे थोड़ी देर यहाँ पर 10 सेकेंड रुकना पड़ेगा और आपकी कॉल डिटेल्स आपके मोबाइल में तैयार हो जाएगी। जैसे आप खोलेंगे दोस्तों आप देख सकते हैं पूरा कॉल डिटेल्स यहाँ पर आ चुकी है। इस तरह से दोस्तों आप अपने वोडाफोन नंबर की कॉल डिटेल्स निकाल पाएंगे, 1 महीने की 2 महीने की 6 महीने की। उम्मीद करता हूँ मेरी जो पहले वाली वीडियो है उससे भी आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा, लेकिन फ़िलहाल पॉलिसी चेंज होने के कारण अब उसमें आपको वो ऑप्शन नहीं मिलता है जो पहले मिलता था। और उम्मीद करता हूँ ये भी कि इस वीडियो से भी आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा उसे भी आप दबाकर मेरी इस वीडियो को सफल बना सकते हैं, और राइट साइड में आप एक बेल आइकन को देख रहे होंगे उसे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, उससे आने वाली मेरी नई वीडियो आपको मिल जाएगी। और दोस्तों वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करना ना भूले, वहाँ पर आपको एयरटेल, आइडिया, जियो इन सभी नंबरों की कॉल डिटेल्स कैसे निकालते हैं मैंने ऑलरेडी चैनल पर बना रखा है, आप देख सकते हैं। मिलूंगा दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।